Hey guys, assalamu alaikum and welcome back to my channel. And if you are new to my channel, this is Marzina Khan. So, मेरी तरफ से आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं. तो आज मैं शूट करने जा रही हूँ काफ़ी टाइम के बाद, और जो ब्रांड के लिए मैं शूट करने वाली हूँ वो बहुत ही मेरे करीबी है. तो उनके ब्रांड का नाम, सब डिटेल्स मैं आपको लोकेशन पे पहुँच के दूंगी. हम आज जा रहे हैं बांद्रा, तो वहाँ पर हम शूट करने वाले हैं. कुछ 14 आउटफिट है और हम लोग देखेंगे कि हम लोग 14 आउटफिट आज कंप्लीट कर पाते कि नहीं. बहुत जल्दी हमको जाना था, बट आपको तो पता है लेट होता ही है. तो आज हमारे साथ आएंगे रितेश, और न्यू मेंबर हमारे साथ ज्वाइन हुआ है आज, जो कि है मेरी बड़ी अम्मी. तो आज मैं बड़ी अम्मी को साथ में लेके जा रही हूँ, और हम लोग डायरेक्ट आपको अभी लोकेशन पे पहुँच के मिलेंगे. माजर को छोड़ के जाना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, काम ही करना पड़ता है. हम लोग लोकेशन पे आ चुके हैं. यहाँ पर धूप नहीं है, वहाँ पर धूप है, और हम लोग ने साथ में इयर रिंग का सेट भी लाए, तो इसमें से मैच करके हम लोग पहनेंगे. और लाइट जाने से पहले जल्दी फोटो खींचना पड़ेगा हमें. बाप रे, तूफान आ रही है और हम लोग धूप को ढूंढ रहे हैं, और सन एग्जैक्टली देखो इधर तक आ गया. वो इधर तक आने से पहले हम लोग को आउटफिट कंप्लीट करना पड़ेगा, अगर नहीं हुआ तो कल करना पड़ेगा. और एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है कि कल मेरी बहन का रिसेप्शन है, और अच्छी धूप आ रही. चल टाइम वेस्ट नहीं करते, फोटो क्लिक करते और आपको पिक्चर्स बता दूंगी मैं. फिट में तो पिक्चर क्लिक हो गया, और पर अचानक क्या हो गया, सन बिल्डिंग के पीछे छुप गया, और अभी तो एक ही आउटफिट हुआ है. जल्दी करो, वी हैव टू बी क्विक एंड फास्ट. यस, पिक्चर्स उनको तो पिक्चर्स चाहिए, बट मैंने सोचा कि यूट्यूब वीडियो भी शूट कर लेंगे और रील्स भी कर लेंगे उनके लिए. आउटफिट है ऑरा क्रिएशन का, मतलब इनके ब्रांड का नाम ऑरा क्रिएशन है, और ये रिटेल नहीं करते, ओनली एग्जीबिशन करते. तो अगर आपको ये ब्यूटीफुल आउटफिट बाय करना है, मतलब मैं और भी अभी कलेक्शन बताऊंगी उनके, मैं भी पहनते जाऊंगी, तो एग्जीबिशन में आके ही बाय करना पड़ेगा. ये हमारा सेकेंड आउटफिट, और मुझे इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. और यहाँ पर धूप आ रही है, जा रही है, और सबके देख भी रहे हैं, वहाँ पर बच्चे लोग सब उल्टा होके बैठ के देख रहे हैं. बट क्या करें, काम है, करना ही पड़ता है, शर्म हया को छोड़ना पड़ता है ना रितेश. चलो धूप आई है, अभी ट्राई कर रितेश का थर्ड आउटफिट. मतलब जो चार चार आउटफिट है सब सेम है, उसके कलर्स अलग है. तो हम लोग धूप ढूंढ रहे हैं, अभी धूप भी चली गई रितेश. जादू को बुलाना पड़ेगा, धूप, मुझे धूप की जरूरत है, धूप. धूप स्पॉटेड, सिर्फ उतने ही जगह पे धूप है, उतने पार्ट पे खींचना पड़ेगा. जल्दी आ रही है, रन. फोर्थ आउटफिट जो के है बहुत ही ब्यूटीफुल सेज ग्रीन में. अरे रितेश, मैच हो गए हम लोग. तो हमारा ये वाला आउटफिट भी हो गया. कैसे 14 और कंप्लीट किए हम लोग ने 4. अब बाकी सब अभी घर जाके होगा. एक्चुअली यहाँ पर धूप है, सन भी है, बट ये बिल्डिंग के पीछे छुप गया है. ये देखो, तो अभी हम लोग कार ढूंढेंगे इसको. कहीं और भी कर सकते हैं, बट फिर चेंज कहाँ पर करें, वो प्रॉब्लम है. यहाँ पर तो वॉशरूम है, तो हम लोग चेंज कर सकते हैं ना रितेश. yes. और अगर आपको भी पिक्चर्स क्लिक करना है तो आप रितेश शर्के को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. अजीज क्या है सर, 20,000 में आपको बहुत अच्छा शूट करके देगा. अगर आपको देखना है उसका वर्क, तो आप मेरे प्रोफाइल में जा सकते हैं, सारे वर्क उसके ही है. सो कॉन्टैक्ट रितेश शिरके, और नेगोशिएबल नहीं है, 20,000 से नीचे नहीं लेगा वो, है ना रितेश? राइट ना, परफेक्ट, सही. छोटे शहरों से खाली बोल दो पैरों से, हम तो झोला उठा के चले. हम लोग चलते हैं ना बड़ी मी, तुम थक गए बैठे बैठे? नहीं, आराम से बैठे थे ना. ठीक है, एक बार मम्मी को मेरी लेके आई थी, मेरी मम्मी तो बहुत ज़्यादा थक गई थी. तो हम लोग बाहर निकले, तो हमको दिखा है चना मसाला की गाड़ी. कांदा से भी महंगा है ना, चने से ज़्यादा. हाँ भैया, सस्ता हो गया. अच्छा, इसके लिए कांदा ज्यादा डाले, चना कम डाले. अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे थे, तो यहाँ पर स्ट्रीट लाइट लगी है, ये ऐसी ऐसी. इस पर बड़ी अम्मी घूम गए, अभी कैसे ढूंढेंगे हम लोग. ठीक है, ढूंढ बड़ी अम्मी को. A few moments later. हम लोग लगा तुम घूम गए, हम लोग ढूंढ रहे बड़ी अम्मी को. बड़ी अम्मी देख रहे यहाँ पर कुछ है कि नहीं. हार के हम घर पे आ चुके हैं. मेरे बेटे से मिलूंगी, थोड़ा उसके साथ खेलूंगी, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना वर्क. माजन से मिलने जा रही हूँ, माजन टेरिस पे. हेलो
मेरा बच्चा शूट कंटिन्यू करेंगे। तो मैं खाना खा रही थी और अचानक गुलरे जी ने मुझे आके सरप्राइज कर दिया यहाँ पर। एक और सरप्राइज मेरे लिए कुछ लाए हैं, बोल रहे तो है तुम्हारे लिए। सांसें रुक जाएगी तुम्हारी, सांसें रुकने वाली है। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ नीचे जाके देखने के लिए कि क्या सरप्राइज लेके आए मेरे लिए। ओके चलो चलो लेट्स गो। इतना बड़ा सरप्राइज है, देखना नहीं, आप लोग भी आ जाए आगे आगे, धीरे धीरे आते रहे। नहीं है तो ये रहा आपका गिफ्ट। न्यू स्कूटी है? हाँ। स्पोर्ट्स वाली? हाँ। नहीं तुमने तो गाइस गुलरेज जी ने आके मेरे साथ प्रैंक किया था, मेरी स्कूटी को पूरा ही बिगाड़ के उसको कलरफुल बना के मुझे चक्कर ही दिला दिया। सच में कलरफुल बहुत ज्यादा टायर्ड हो रहा था, क्विक करना है क्योंकि जो मेरा फोटोग्राफर है रितेश शिर्के उसको जाना है और 2-3 दिन वो बिजी रहेगा तो फिर इनकम्प्लीट हो जाएगा मेरा शूट और मुझे जल्दी सबमिट करना है। तो हम लोग आज ही क्लियर कर रहे हैं। मैं कुछ पहनने वाली हूँ, कुछ डिफरेंट। क्या पहनने वाली? साड़ी। मैं साड़ी पहनने वाली हूँ, तो 2 साड़ीज है तो वो भी हम लोग आज ही कम्प्लीट करेंगे। बस मेरे पास 1 घंटा है, 1 घंटे में कम्प्लीट करना है। और ये देखो, टेक अ मोमेंट एंड अप्रिशिएट द वर्क। तो ये है बहुत ही ब्यूटीफुल दुपट्टा, ये है कुर्ता और ये है प्लाजो। तो इसका जो वर्क है ये पूरा प्रॉपर हैंडवर्क होता है। ये देखो, ये एक एक मोती एक एक हाथों से लगाई गई है और बहुत ही मतलब पूरा हैंडवर्क है। बचपन में हम लोग ऐसी करते थे, प्लेन जाती थी और सब लोग उसको बाय बोलते थे। और बचपन में नहीं, बड़ी भी हो गई थी, गुरदेव जी जब बाहर कतर में रहते थे तो प्लेन जाती थी तो बाय करती थी। आप लोग भी अगर करते हैं बाय या करते थे तो कमेंट में ज़रूर बताना। चलो कंटिन्यू। इसके कलर्स तो इतने अमेजिंग है, अगर आप लेने आओ तो सारे ले लोगे, ट्रस्ट मी। अगर आपको शॉप करना है तो ज़रूर 8 को जियो गार्डन में आप आके शॉपिंग कर सकते हैं और क्रिएशन से। कुछ हमारे 8 ही हुए खाली और हम लोग इतना ज़्यादा टायर्ड हो गए, देखो आँख बंद हो जा रही है, इतनी नींद आ रही है। माजिन को भी नीचे छोड़ी हूँ मैंने और बहुत ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा है। अगर तू तो बिजी नहीं होता कल तो हम लोग कल कर लेते हैं। साड़ी भी पहनना है, कैसे पहनेंगे हम लोग? चलो करना तो पड़ेगा, काम है करना तो पड़ेगा, अभी ट्राई करते हैं। बहुत कोशिश किया पर अभी हिम्मत नहीं हो रही है, तो हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। तो आपसे हम लोग कल मिलते हैं और मैं जाती हूँ फाइनली माजेन के पास नीचे, थोड़ा रेस्ट करती हूँ, मुझे भी चक्कर जैसी आ रही है और घर भी जाना है क्योंकि आलिया की तबीयत भी बहुत खराब है, ये कोई भी नहीं है घर पे। सो लेट्स गो माजेन के पास एंड देन आलिया के पास और गुलरेस के पास भी। क्यों गुस्सा हो रहा है मम्मी पे? मैं बिजी थी ना अभी, उसको छोड़ के जा रही थी बार बार तो गुस्सा हो गया। मुझे देख ही नहीं रहा है, अज्जू को देख रहा है। 40 अभी 40 झूला उसको। सो गाइज इट्स नॉट ईजी टू शूट, बेबी को छोड़ के शूट करना पड़ता है और बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कुछ होता है, कभी फोटोग्राफर लेट होता है और बहुत प्रॉब्लम्स होती है। और अभी आपको ऐसा लग रहा नहीं बट मैं बहुत ज़्यादा रो के अभी आई हूँ, बट काम है तो करना ही पड़ता है। चलो धूप भी चली गई है, उससे भी थोड़ा मूड ख़राब हो जाता है, तो देखते हैं धूप कहाँ मिलती है, देन वहाँ पर शूट करेंगे। बहुत सारी भीड़ है आज। आज का लोकेशन हमारा बीच है और हम लोग यहाँ पर आए और आज संडे है और बहुत ज्यादा भीड़ है। आपको एक तो ये रेत में चलने भी नहीं होता है, स्ट्रगल इज रियल। देखो हंस रही हूँ मैं, इससे पहले मैं बहुत ज्यादा रो रही थी। होता है, आपको फोटोशूट में लगेगा स्माइलिंग फेस और उसके पीछे 10 मिनट पहले मैं बहुत रोई होती हूँ, फिर मेरा लगता है। आज काइट वाला डे है तो बहुत हवा है, कपड़ा रुक ही नहीं रहा, इसको बोली रुक तो पतंग की तरह उड़ते जा रहा है। भाई तुम पतंग ही हो, मत उड़ो। देखो फिर उड़ रहा है, रुक जाओ एक जगह पे प्लीज। A few moments later 5 मिनट हो गया स्ट्रगल कर रहे हैं। हाँ बैठ रहा ही नहीं। काफी हैवी दुपट्टा है, फिर भी स्टे नहीं कर रहा है।
फिलहाल हम लोग स्कूटी है। धूप तो नहीं थी, पिक्चर्स नहीं आए, पर स्कूटी टो हो चुकी है, तो वही मैं अंकल से रिक्वेस्ट करी कि दे दो, एक ही मिनट हुआ है, आपने तो देखा पिक्चर की क्लिप किया तो मेरी स्कूटी टो हो चुकी थी, उसमें मेरी गलती नहीं थी, मुझे वॉचमैन ने वहाँ रखने बोला था, पर फिर भी इन्होंने मुझे बहुत भगाया, रुलाया और बहुत ज़्यादा सताया। ये क्लिप्स मैं आपको इसके लिए दिखा रही हूँ क्योंकि इंसानियत बची नहीं है, बहुत ज़्यादा मुझे रुलाया इन्होंने। गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो आज है डे 3, मतलब हम लोगों को लगा था एक दिन में कंप्लीट कर देंगे, बट 3 दिन हो गया और कल क्या क्या हुआ वो मैं पूरा शूट कंप्लीट करके घर पे आपको बताऊंगी, क्योंकि मुझे लेट नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो अभी हम लोग फिर से बांद्रा जा रहे हैं, तो लोकेशन पे हम लोग पहुँच गए हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी धूप है। आज हम लोग बहुत जल्दी आ गए क्योंकि 3 दिन से हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत जल्दी जल्दी हमको करना है शूट, एक ही दिन में कंप्लीट करना था। हाँ, अभी टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, मैं आपको घर पहुँच के सब 3 दिन की स्टोरी बताऊंगी। ये है बिंदिया जो मैं लगाने वाली हूँ, कैसा लग रहा है गाइस? और आउटफिट तो बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है, ये हम लोग ने दूसरा आउटफिट पहन लिया है, पिंक कलर में ही है बट थोड़ा डिफरेंट है। और ये वाले आउटफिट में तो हम लोग का बहुत जल्दी हो गया, मतलब अच्छी धूप है, जैसे गोल्डन आवर्स बोलते हैं। ये है हमारा आउटफिट नंबर पता नहीं कितना, क्योंकि अभी सेम डिज़ाइन के 3 कलर्स बाकी है, तो बस हम लोग जा रहे हैं शूट करने। सेकेंड कलर है मस्टर्ड कलर, एंड फाइनली रितेश, ओनली 1 आउटफिट लेफ्ट, ये बहुत ज़्यादा खुश हो रही क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर था, पैनिक हो रही थी। साड़ी तो बाकी है, वो हो जाएगा, नहीं साड़ी का भी बहुत टेंशन है, बट ये कि सूट बाकी है, मतलब हम लोग ने 13 सूट हम लोग ने कंप्लीट कर दिया है, वाओ। सो दिस इज़ द लास्ट आउटफिट, सो इट्स इन मॉप कलर, लाइक पर्पल टोन में है, और फाइनली आउटफिट कंप्लीट हो गया है। बड़े मुझे प्रैंक करते, बोलते 10 आउटफिट और आया है तो वापस से लेके आना पड़ेगा। बड़ी मी एक प्रॉब्लम हो गई है, 10 आउटफिट और आ गए, तो अभी अपने को जाके लेके आना पड़ेगा। अब निकालने हैं, अभी घर पे जाना पड़ेगा अपने को, फिर 10 आउटफिट जाएंगे लाएंगे, फिर लाएंगे, फिर तुम चल रहे ना साथ में, चलो वापस आएंगे, चलो चलो। अभी तो धूप चलेगी ना, अभी तो निकाली इतने सारे, अब तो धूप चलेगी, अब क्या निकालेंगी, तो अब धूप आएंगी तब देखेंगे इंशाल्लाह। आज तो नहीं होएगा बोलना क्या, सन को हम लोग वापस लेके आएंगे क्या, आ जाओ हम फोटो निकालना है। बात तो सही है। तो साड़ी मैंने पहन दिया है, मैचिंग ज्वेलरी भी साथ में पहन दिया है, और चॉकलेट खा रही हूँ, वेट कर रही हूँ अपने फोटोग्राफर का जो रेस्ट करने गया है। फोटोग्राफर इज लेट, सॉरी, मॉडल इज रेडी, रेडी। साड़ी कैसा लग रहा है वो तो बता। खूबसूरत, अति खूबसूरत, अच्छा लग रहा है, फैंटास्टिक, फैबुलस। चल रेडी? हाँ रेडी। तो बहुत ज़्यादा अच्छी पिक्चर्स आ रही है ये साड़ी में, और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है मुझे तो ये साड़ी, और प्लस ये पूरा नेक पीस भी पूरा मैच हो गया है। और माज़ेन अभी उठ गया है, मम्मी का कॉल आया था तो उसको लेके आ रहे हैं अभी, तो वो भी देखेगा अपनी मम्मी फ़ोटोशूट कैसे करती है, मेहनत कैसे करती है। और गुलरेस भी आने वाले हैं, मैं चाहती थी कि उनको दिखाओ मेरी साड़ी का, मैं हमेशा जब रेडी होती हूँ मैं चाहती हूँ गुलरेस देखे, बट हमेशा वो नहीं रहते। सारी बाकी है वो भी कंप्लीट होने से पहले गुलरेस आ गए, तो वेल एंड गुड, नहीं हुए तो टाटा बाय बाय कर देंगे आप सबको। क्या बोलते हैं, माज़ेन का रिएक्शन देते हैं कि नहीं, वो सो के तो उठा है पर मम्मी को साड़ी में पहली बार देखेगा शायद से, तो माज़ेन का रिएक्शन भी लेंगे कि मम्मी को साड़ी में देख के क्या रिएक्ट करता है। माज़ेन आ रहा है, माज़ेन आ रहा है, माज़ेन की आँख बंद करके ले गया, जल्दी ले गया, देख ही नहीं रहा है, मुझे गुस्सा होता है ना वो नहीं देखता है। ये रिएक्शन माज़ेन, माज़ेन ये रिएक्ट करोगे, मम्मी को तो देखो, मम्मी को देखो, मम्मी ने साड़ी पहनी है, लिपस्टिक लग गई, साड़ी पहनी है माज़ेन, माज़ेन मम्मा को बैकग्राउंड देख रहा है वो, माज़ेन माज़ेन वो गुस्सा होता है ना मेरे से तो मुझे देखता ही नहीं, आँख ही नहीं मिलाता है। माज़ेन हॉप लीजिए बनी, हॉप हॉप हॉप, मम्मा को तो देखो माज़ेन, देखो माज़ेन माज़ेन माज़ेन, देखा नहीं देख रहा है, जरा भी नहीं देख रहा है, चलो माज़ेन ने तो कोई रिएक्शन दिया नहीं, देख ही नहीं रहा है मुझे। तो ये है मेरी सेकेंड साड़ी जिसमें मेरे को बाल समझ में नहीं आ रहा है कैसे रखूं, और मैं पूरा रेडी हो रही थी तो गुलरेश जी आ गए, तो हम लोग गुलरेश का रिएक्शन लेंगे, कैसा लग रहा है इसमें? बहुत अच्छा लग रहा है, इंतज़ार में गुल्लू भाई को आ गई है नींद,
अंगड़ाइयां लेती हूँ मैं जब जोर जोर से। पद्मावती आ गई है। क्या घूमना नहीं, क्या सरप्राइज है, गिफ्ट लाई है क्या? सरप्राइज नहीं, रिएक्शन है तुम्हारा। क्या रिएक्शन? पानी री डन। अरे बाप रे बाप, साड़ी। क्या बात है यार, कैसी लग रही है? माशाल्लाह, पहली बार साड़ी पहनी है। पहली बार साड़ी, बहुत बार। ये वाली अच्छी साड़ी है ना? कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है, लग रही है। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाय बोल दो। हाय हाय हाय। यहाँ पर मैं फोटो सेशन कर रही हूँ और नीचे बहुत सारे बच्चे लोग आ गए गुलरेज से मिलने के लिए, तो नीचे फोटो क्लिक हुआ जा रहा है गुलरेज के साथ। यहाँ से तो नहीं दिखेगा, उनके ब्लॉग पे आप देख सकते हो। बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे ट्यूशन छोड़ के बेचारे आए हैं, तो बंद करके देखो। माजन अपने डैड को कैसे बुलाता है। माजन बुलाओ डैड को, बोलो डैड, डैड बोलो, डैड। कितने प्यार से बोल रहा है, देखो डैड डैड गुलरेज। So guys, finally, हमारा आउटफिट कंप्लीट हो चुका है। सॉरी बेबी, उसको 3 दिन तक मामू हो गए, खाला लोग के साथ खेल रहा था, तो बस हो गया है शूट। अभी मैं जाऊंगी अपने ससुराल। माजिन जा रहा है, अर्जी ना? हाँ, मैं भी जा रही लेकर। और बहुत ज्यादा थक गए, एंड तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ रितेश का, जिसने बहुत अच्छे अच्छे फोटो खींचा और मुझे रुलाया भी, और साहिल का जिसने मेरे बेबी को संभाला, मम्मी का, अर्जीना का, रूबी का, माजेन को संभालने के लिए। और फाइनली पूरा आउटफिट कंप्लीट हो चुका है। और सेकेंड डे पे ऐसा हुआ, हम लोग फोटो क्लिक करने गए थे और बहुत ज्यादा बहुत सारे इंसिडेंट हो गए। टो वाले ने हमारी स्कूटी टो कर दिया, बहुत ज्यादा हैरेस किया, मुझे बहुत ज्यादा रुलाया रोड पे, मतलब लिटरली आई वॉज शिवरिंग। उसका वीडियो ऐड करके बता दिया है कि उन लोग ने फाइन तो लो, चलो लो, कोई बात नहीं। 1 मिनट भी नहीं रखा हुआ था, वो वॉचमैन ने हमको रखने बोला था, बट उसने जो हमें सताया है, इधर से उधर भगाया है, वो बहुत ज़्यादा ही, मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत खराब हो गई थी। और मैं अपनी बहन के रिसेप्शन में भी नहीं जा सकती, इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत खराब हो गई थी। और मुझे ये शूट कंप्लीट भी करना था, यू हैव टू बी प्रोफेशनल ऑन दिस। उनको आउटफिट चाहिए था, आज का मेरा लास्ट डे था, कैसे कैसे करके। आज भी मैं थोड़ी बीमार हूँ, बट हम लोग ने शूट कंप्लीट कर दिया है। इसी के साथ एंड करते हैं अपना व्लॉग। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल द टाइम, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। दिस इज मर्जीना खान साइनिंग ऑफ। बाय बाय गाइज़।